हाय गाइस, वेलकम टू द ऑटो एम्पायर। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नई कार, जो कि है होंडा सिटी 1.5 पेट्रोल में एक कार है 2018 की। इस कार की आज मैं इस वीडियो में डिटेल और इसकी कंडीशन और इसकी प्रॉपर रिव्यू मैं आपको बताऊंगा, और इसे ड्राइव करके भी आपको दिखाऊंगा कि ये कार चलने में कैसी है। तो प्लीज चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन के दबाइए, उसके बाद हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो गाइस, ये होंडा सिटी की फेसलिफ्ट, जो थर्ड जनरेशन की ये फेसलिफ्ट है, ये भी दिखने में काफी अट्रैक्टिव है। लाइट देखें इसकी, जो यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है इसमें आ जाती है। यहाँ पर आपको DRL लाइट जो की व्हाइट कलर में ब्लिंक करती है, एंड येलो लाइट जो की है HID इसमें येलो लाइट होगी। फोक लैम्प दिया हुआ है सामने से। एक दिखने में लाइक लुक वाइज आप देखोगे, ये कार लुक वाइज काफी अट्रैक्टिव है। कार में आपको बॉडी दिखा दूं, माइनर सी स्क्रैचेस है, हेयर लाइन स्क्रैचेस है इस कार में। कंडीशन के लिए मैं आपको बता दूं, ऑटो एम्पायर पूरी आपको कार की डिटेल, एक्चुअल जो डिटेल है वो बताकर सेल करती है। तो इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ आपको। आईवेटेक इंजन है, 1.5 लीटर है। बैक साइड भी आप देख सकते हैं, वी का वेरियंट है, VMT है। 40 लीटर की कैपेसिटी के साथ पेट्रोल में ये कार आती है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप दूर से देखो कहीं से भी होंडा सिटी की ये लाइटिंग जो 2016 में लाई गई थी इस मॉडल के साथ, ये लाइटिंग भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। उसके बाद के जनरेशन में एक DRL लाइट के साथ आ गई थी, जो कि रेड कलर में ब्लिंक करती है। बैक की हम ये देखें, ग्लास देखें, तो इसमें भी आपको डिफॉगर मिलता है, एंटीना इसमें शार्क एंटीना मिलता है। रूफ के बारे में बात करते हैं। बहुत सी गाड़ियों में हम रूफ को देखते हैं, बॉडी अच्छी दिखती है लेकिन रूफ में स्क्रैचेस होते हैं या कहीं से डेंट होती है, पेंट होती है, लेकिन इसका रूफ काफ़ी क्लीन है। मतलब कहीं से भी मुझे डेंट या फिर बड़ा स्क्रैचेस वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। साइड के इंडिकेशन के बारे में बात करें, कार में इंडिकेशन साइड मिरर में दिया रहता है। आजकल की मैक्सिमम कार में जो इंडिकेशन आती है वो साइड मिरर में आती है। साइड मिरर जो की है वो पावर मिरर है, आप इसमें अंदर स्विच दी गई है जिससे दबा के ऑटोमेटिक इसको फोल्ड कर सकते हैं। हैंड्स विद अलॉय व्हील जो कि है, 15 इंच के टायर के साथ डायमंड किट अलॉय व्हील आती है इस कार में। ये होंडा ने जब इसको इन्वेंट किया था, मतलब ये ब्रांड जब आई थी, तो ये उस टाइम की सबसे अच्छी और लेटेस्ट मानी गई थी इसे, और आज भी दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है इन होंडा सिटी। तो बूट को ओपन करने के लिए की में दिया रहता है ये स्विच को मैं दबा रखता हूँ होल्ड करके, ये बूट हो गया ओपन। बूट ओपन होते ही हम देखते हैं इसमें स्पेस कितना है। 510 लीटर की स्पेस है, काफ़ी जगह है यहाँ पर, बहुत सारे सामान लगेजेस आ सकती हैं। तो स्टेफनी देख सकते हैं, स्टेफनी की कंडीशन तो काफ़ी क्लीन लग रही है और बहुत अच्छी है। पेस्टिंग वगैरह भी आप देख सकते हो, कार कंपनी की पेस्टिंग है, मतलब ये कार एक्सीडेंटल नहीं है कहीं से भी, बैक साइड से हल्का सा भी या फिर डैमेज या फिर स्क्रैचेस नहीं है। और ये आ गई आपकी ग्राउंड क्लियरेंस, कम से कम 136 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस है। 1500 cc की ये कार, 1.5 लीटर की इंजन है और पेट्रोल में ये कार है। अब इस कार को हम आपको ड्राइव करके दिखाते हैं कि कंडीशन कैसी है चलने में। तो ये कार कीलेस एंट्री है, आप अपने की को पॉकेट में रखो, और ये आपका कार अगर लॉक है और या तो फिर अनलॉक है, तो सपोज ये हो गई कार आपकी लॉक, मैंने इसे दबा दिया और उसके बाद इससे मैं अनलॉक करता हूँ इसे दबा के, तो फिर कार ओपन हो जाती है। गाइस, मैंने आपको बताया था एंट्री के लिए, जैसे कीलेस एंट्री है कार, बटन की मैंने आपको इसमें भूमिका बता दी कि बटन क्या काम करता है, और ये रही आपकी की जो कि मेरे पॉकेट में है, ये मैं पॉकेट में रख लिया आपने। अब मैं कार को करता हूँ स्टार्ट, ये पुश बटन के साथ आएगी, ये कार हो गई आपकी स्टार्ट। क्लच दबाकर ये कार स्टार्ट होती है, बिना क्लच दबाए इस कार को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इस स्टेयरिंग में दिखाता हूँ, स्टेयरिंग में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, जिसमें है आपका एयर बैग भी, वी वेरियंट है, क्रूज कंट्रोल भी इसमें दिया गया है, और यहाँ पर कुछ स्विचेस दी गई है आपका रीसेट वगैरह के लिए, और यहाँ पर दी गई है सोर्सेस चेंज करने के लिए, जो कि आपको मीडिया के सिस्टम को कंट्रोल करती है, और ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी इस स्टेयरिंग में दी गई है। जहाँ ये आप स्विचेस देख रहे हो, ये आपको फ्रंट से नहीं, इसको बैक साइड से दबाना है, जैसे ये फ़ोन रिसीव का हो गया, फ़ोन कट करने के लिए हो गया, या तो फिर ये आपका म्यूट करने के लिए ये एक स्विच दी गई है, आप यहाँ से इसको दबाओगे म्यूट हो जाएगी और अनम्यूट भी यहीं से होगी। तो क्रूज कंट्रोल दिया गया है, एयर बैग दिया गया है। होंडा की ये वाली जो स्टेयरिंग आई है, मतलब ये थर्ड जनरेशन में जो आई है, ये लुक वाइज तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, एडजस्टेबल स्टेयरिंग है। आप यहाँ देखोगे ये बटन दिया गया है, इसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, आगे पीछे तक भी कर सकता हूँ, तो ये हो गई आपका स्टेयरिंग एडजस्टेबल, लेकिन कंफर्टेबल यहाँ पे है। यहाँ पर कंफर्टेबल है, मैंने इसको सेट कर दिया। अब आते हैं इस वेरिएंट में क्या क्या फैसिलिटी दी गई है। ये बटन रही,
ये बटन रही आपका मिरर के फोल्डिंग के लिए। अब इसे हम कर देते हैं फोल्ड से आउट। ओके, अब ये होती है आपकी लेफ्ट साइड की। इस बटन को दबा के आप अपने साइड के मिरर को भी एडजस्ट कर सकते हो। मिडिल में रखोगे या राइट में रखोगे या लेफ्ट में रखोगे, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। फ्यूल की इंडिकेशन दी गई है 73 किलोमीटर 800 समथिंग में चली ये कार। पेट्रोल की वेरिएंट है, पेट्रोल में चली हुई कार है, काफी अच्छी कंडीशन की कार है। इंटीरियर से कंडीशन आप देख सकते हो, इंटीरियर की कंडीशन से पता चलता है कि कार काफी अच्छी है। 4 एयर बैग्स दिए रहते हैं इसमें, फ्रंट में और पीछे भी दो, फ्रंट दो और पीछे भी दो। डैशबोर्ड की कंडीशन देखते हैं, डैशबोर्ड में भी काफी स्पेस है, बहुत जगह है। एसी के वेंट क्लीन है, कोई स्क्रैचेस या फिर ब्रोकन नहीं है। एंड ये रही आपकी कंट्रोल, जैसे एसी के लिए आप टेम्परेचर या फिर फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ये रही यहाँ पे आपको इंडिकेशन होगा, यहाँ से एसी फैन या फिर ऑटोमेटिक करने के लिए, लाइक एसी को यहाँ पर आप ऑटो स्विच करके रखेंगे, आप स्विच देख सकते हो, यहाँ पर मॉनिटर देख सकते हो, ये आपका स्टार्ट हो गया। फिलहाल इसे हम बंद कर देते हैं, फिलहाल हम इसे बंद कर देते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने कैप लगा रखी है, आपने देखा होगा। एयर बैग, गियर देखो, गियर की नॉब जो है ये भी काफ़ी छोटी सी है, बहुत अच्छी है। काफ़ी छोटी मतलब ऐसा नहीं कि इतना छोटा कि आपको हैंडल करने में डिफिकल्ट हो, बड़ा भी हैंडल करने में कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये गियर नॉब बहुत सॉफ्ट है, अच्छी कंडीशन की है। देखिए आप, मैं तो आपको एक कंडीशन दिखा देता हूँ। सपोज कोई कार में अगर फर्स्ट गियर आप लगाते हो और वहाँ पे थोड़ी सी अटके, इसका मतलब ये है कि गियर बॉक्स में काम है या फिर उसमें कुछ खर्चे आने वाले हैं, आपको ये इंडिकेशन है। लेकिन ये काफ़ी क्लीन है या इजीली गियर जो है वो शिफ्ट हो रही है। मैं आपको यूज़ करके दिखा दूँ, ये मैंने पाँचवें गियर तक यूज़ किया। और बैक कैमरा इसमें दिया हुआ है, बैक की लगाते हुए यहाँ पर आ जाती है आपकी स्क्रीन प्ले, एंड्रॉइड का ये स्क्रीन है। ओके, तो अब हम इंजन को बंद कर देते हैं। सीट एडजस्टेबल है, मैं इसे आगे या पीछे भी कर सकता हूँ जो कि मैनुअल में है। क्लीन कार है, बैक सीट की कंडीशन अच्छी है, स्पेसियस है काफ़ी ये कार। पीछे कैमरामैन बैठे हुए हैं, कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको बैक साइड, मैंने सीट पूरी पीछे की हुई है वैसे, और ये मैंने अपने कंफर्टेबल एडजस्ट कर लिया। स्पेस काफ़ी है, फ्रंट में भी स्पेस काफ़ी है, हैंडल्स दिया हुआ है, बैक में भी आपको हैंडल्स मिलेगा और एसी के वेंट भी इसमें बैक में दिया गया है। ओके, सो ये की है, की को हम रख देते हैं यहाँ पे, और ये हटा दिया, इसको हैंड ब्रेक से क्लच दबाया और ये बटन किया स्टार्ट, कार हो गई स्टार्ट और हम इसको ड्राइव करते हैं। ड्राइव करके देखते हैं, स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है। ओके, ये पता चल गया, ये आप देख सकते हो। एक बार इसमें यहाँ पे राउंड ड्राइव करते हैं। ओके, पिकअप भी अच्छी है इसकी, 1.5 की है, इंजन है भाई 1.5 लीटर की, तो पिकअप तो होगी ही होगी। ओके गाइस, नो डाउट दिस कार इज इन वेरी गुड कंडीशन, चलाने में भी अच्छी है, सॉफ्ट है, पेट्रोल में है, साउंड भी ज्यादा नहीं कर रही है। पेट्रोल का मतलब ये है कि साउंड नहीं करना। ओके, अब हम ड्राइव करके आपको दिखा दिया, डेफिनेटली कार चलाने में अच्छी है, आप परचेस कर सकते हो ऑटो एम्पायर पर आकर। अब इसकी डिटेलिंग के बारे में बताते हैं। सो काफ़ी ठंड है, कैप लगाया हुआ है आज, और इस कार की डिटेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। होंडा सिटी 1.5 वी वेरिएंट आईवी टेक में पेट्रोल में कार है, 73,000 किलोमीटर ड्रिवन ओनली, ओनर इज अ फर्स्ट, पेट्रोल की ये कार, मैनुअल में ट्रांसमिशन है, और सबसे अच्छी बात ये है आपकी इंश्योर्ड, लाइक इसमें आपको सेप्टेम्बर 2023 तक आपको इसमें इंश्योरेंस मिलती है। डीएल पे रजिस्ट्रेशन है इसकी, दिल्ली नंबर पे रजिस्टर्ड है, ओनर फर्स्ट, कार काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। कभी भी इस कार को परचेस करोगे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, या सेल करोगे तो भी इसकी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है, काफ़ी डिमांडिंग कार रही है। आप जब भी इसको सेल करोगे इसका मतलब ये है कि पैसा वसूल है। और इस कार को खरीदने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, और प्लीज़ कमेंट में बताएँ कि वीडियो कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।